तो दैट इज़ योर कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज। आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज किस तरह से अरेंज किया गया। यहाँ पर इंसुलेटिंग फिल्म लगाई गई हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड मिल रहे हैं। दिस वन इज़ द इलेक्ट्रोड्स एंड दिस वन इज़ द इंसुलेटिंग फिल्म एंड दिस वन इज़ द टेस्ट पीस। तो दिस वन इज़ द डायग्राम इज कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज। तो कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज एक्चुअली क्या है, इट इज़ यूज द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस ऑफ कैपेसिटेंस। ये क्या है, इट इज़ यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस विद वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इसका प्रिंसिपल बिल्कुल आप ध्यान से आपने स्टोर कर लीजिए कि इस कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज की बात करेंगे तो इसका यूजेज जो होता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस किसके साथ, वेरी विद वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के साथ। और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं आर फ्लेक्सिबल मेटल स्ट्रिप्स ऑफ अबाउट 0.1 mm थिकनेस होती है और स्ट्रेन जो होता है टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड टू द टॉप प्लेट। कहाँ पे, टू द टॉप प्लेट पर। और दिस चेंजेस द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व इलेक्ट्रोड रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ कैपेसिटेंस। किसके रिस्पेक्टिव में हो रहा है, चेंज ऑफ कैपेसिटेंस के रिस्पेक्टिव में हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो स्ट्रेन कैपेसिटेंस रिलेशनशिप है इन जनरल इट इज़ नॉट लीनियर बट वेरिएशन जो हो रहा है इन डायमेंशन और शेप का वो अलाउ कर रहा है गेज कैरेक्टरिस्टिक्स को कि टू बी चूज सो एज टू मैच द रेंज ऑफ कैपेसिटेंस टू बी मेजर्ड विद अ गुड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं हमारे कि जो कैपेसिटेंस स्ट्रेन गेज होगा हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ अबाउट 0.5 PF एंड इसकी ओवरऑल साइज जो हो कितनी होगी 5 mm × 17 mm × 1 mm की। और इसका यूजेज जो होता है वो पॉलीएमाइड फिल्म या इंसुलेटिंग मटेरियल्स में करते हैं लोग। और इट कैन बी यूज अप टू टेम्परेचर कितना 300 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ कर सकते हैं।